इससे पहले वीडियो में हमने ये सब देखा था, फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, बाउंड्री रीजन कैसे निकालते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि इसमें लिमिट्स कैसे फाइंड करते हैं वो आप सीखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है y square equals to 4x and x equals to a। y square equals to 4x पैराबोला का इक्वेशन है, ये रहा पैराबोला और x equals to a ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो इसका बाउंड्री रीजन कौन सा आएगा? जैसे कि हम पहले डिसाइड कर लिए थे ये वाला इसका बाउंड्री रीजन होगा। अब ये वाला बाउंड्री रीजन का हमें एरिया को फाइंड करना है। अब देखो y square equals to 4x, ये जो कर्व है ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, x एक्सिस के व्याप पे इसका चेंजेस हो रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो दैट विल बी y dx। अब लिमिट कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव ये वाला पॉइंट हमारा a कॉमा 2 है, a टू 0 a कॉमा माइनस 2 है, ये दोनों सिमेट्रिकल हो गए, तो हम एक एरिया का निकाल के उसका 2 टाइम कर देंगे तो हमें टोटल एरिया का पता चल जाएगा। लाइक 2 टाइम ऑफ हम सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन का निकालेंगे फिर इनटू 2 कर देंगे तो हमारा टोटल एरिया का रिजल्ट आ जाएगा। लाइक यहां पे हमारा x का वैल्यू था 0 और यहां पे हमारा x का वैल्यू a, तो ये 0 टू a वेरी हो रहा है, x एक्सिस का वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है, तो दैट्स व्हाई हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। और जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारा कर्व y के भी आप पे हो रहा है, दैट विल बी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, दैट बिकम y इक्वल्स टू अंडर रूट 4ax, तब ये हो जाएगा √2 रूट a रूट x, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। अब सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x square plus y square equals to r square in first quadrant, तो first quadrant पे हमने पहले सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका ओरिजिन पे सेंटर है 0,0 और रेडियस r है, तो ये आ जाएगा हमारा ओरिजिन आ गया 0,0 जो कि हमारा सेंटर हो गया और हमने सर्कल को ड्रॉ कर दिया। रेडियस हमारा r था तो x एक्सिस का इंटरसेप्ट r कमा 0 0 कमा r, हमें ये पूरे का फिगर को पूरे एरिया फाइंड करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला हमारा बाउंड्री रीजन हो गया, लेट इट बी फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं दिया है, हमें पूरे का एरिया फाइंड करना है, तो पूरा सर्कल का ना निकालते हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के इनटू 4 टाइम्स कर देंगे तो हमारा पूरा एरिया का फाइंड हो जाएगा। अब देखो x एक्सिस में वैल्यू किसके भी आप पे चेंज हो रहा है, वेदर x एक्सिस और y एक्सिस जिसके भी आप पे मन करे उसके ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, तो y के भी आप पे हमें इक्वेशन को डिटेक्ट करना होगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y इक्वल्स टू अंडर रूट r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y के भी आप पे हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ y dx, वैल्यू कहां से कहां तक वैल्यू हो रहा है 0 टू r, तो x का लिमिट को यहां पे पुट कर लेंगे 0 टू r, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है, हमें पूरा सर्कल का निकालना है, दैट शुड बी 4 टाइम। अब y के वैल्यू को यहां पे सिंपली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 0 टू r 4 टाइम ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इसके आगे इसको सिंपलीफाई कर लेंगे।